हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेमस ब्यूटी टिप्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टिप्स जिसके जरिए आप मिनटों में गोरा बन सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो टिप। दोस्तों, मैंने एक बाउल में थोड़ी सी हल्दी ली हुई है और मैं हल्दी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हल्दी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि देखा गया है, जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो हल्दी और उपटन का पेस्ट बनाकर उसको लगाया जाता है ताकि उसमें और ज़्यादा निखार आ जाए, उसकी बॉडी में और ज़्यादा निखार आ जाए। तो बॉडी में निखार लाने के लिए हल्दी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। सबसे खास बात हल्दी की यह है कि ये बॉडी की इम्प्योरिटीज को दूर करती है और निखार लाती है और जो हमारी डेड स्किन सेल्स हैं उनको निकाल देती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ हल्दी की मदद से आप अपनी स्किन को गोरा कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और ये हमारी डेड स्किन सेल्स को दूर करता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज हम किस तरह से करें। दोस्तों, आप इसके बीज निकाल लीजिए पहले और इसको हल्का सा इसमें डिप करें। इसको इस तरह से दबाते रहिए और ताकि इसमें से नींबू का रस निकलता रहे और आपकी त्वचा को निखारता रहे। दोस्तों, अगर आप अपने फेस पर इसका यूज कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें, अपनी आंखों को बचा कर रखें। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होने की वजह से आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आंखें लाल हो सकती है। देखिए, जिस तरह से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से अपने हाथों की मसाज करिए या फेस की, और इसको 4 से 5 मिनट तक आप इसी तरह से लगाएं और फिर इसको आप ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी ब्यूटी टिप। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है हाथ पे या फेस पर तो इसका यूज ना करें। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज्यादा ग्लो आ गया है। और मेरे इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।